अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिक टॉक्स। और अभी भी कुछ ही देर पहले जो है मैच ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और मजा आया। बड़े अरसे बाद जो है वो पाकिस्तान टीम ने इस तरह परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन 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 मेरे हिसाब से मैच आराम से जीता जा सकता था, बशर्त ये कि बाबर आजम आज जल्दी खेलते। अब आप मुझे बताएं कि 196 रन 425 बॉल में खेल रहा है अगला, यानी कि 30 रन का तकरीबन 30 का स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगला खेल रहा है यार। उसकी बजाय अगर आप रिजवान को देखें, रिजवान की इनिंग्स अगर आप देखें तो रिजवान आज आया और 30 ओवर खेल के गया। 30 ओवर मतलब एक पूरा सेशन उसने खेला और 104 रन उसने उसमें बना दिए। और बाबर आजम ने जो है वो कैलेंडर 6 सेशन खेल के, यानी कि 6 सेशन भी नहीं मिलते 425 बॉले, तो वो 196 बना रहे। अगर बाबर आजम थोड़ा सा और तेज खेल जाते तो आराम से आप मैच ये जीत जाना था, अपना पाका हिस्ट्री में रिकॉर्ड आ जाना था कि पाकिस्तान वो वाइड टीम है जिसने 500 प्लस का टारगेट आखिरी दिन में अचीव किया है। और इससे पहले जो टारगेट अचीव हुआ वो 444 का टारगेट था जो अचीव किया गया उसकी तरफ से, श्रीलंका की तरफ से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आखिरी दिन 444, वो अभी तक का हाईएस्ट है। और अगर ये कट जाते तो ये आराम से आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम के वो फैंस आ जाएंगे उसके और के लिए बाबर आजम के अगेंस्ट है। मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, मैं वो फेसबुक पे थ्रू ये मैचेस देखता हूँ तो लाइव उस पर देख रहा, तो वो नीचे कमेंट आ रहे लोगों के बाबर आजम के फैंस के, बाबर आजम कि बाबर आजम के फैन इसको भी ना वो मीडिया ने कह कह के, लोगों ने कह कह के तो दिमाग खराब किया बाबर आजम और उसके फैंस का, कि कह दिया गया नहीं बाबर आजम के अलावा तो कोई और प्लेयर ही नहीं है पूरी पाकिस्तान टीम, कह दिया गया। वीडियोस बन रही हैं, हंगामे हो रहे हैं कि बाबर आजम है तो पाकिस्तान की टीम तरक्की करेगी, बाबर आजम नहीं है तो पाकिस्तान की टीम तरक्की नहीं करेगी। क्या खालिद का घर है कि बाबर आजम होगा तो टीम चलेगी, बाबर आजम नहीं होगा तो टीम नहीं चलेगी? इस तरह तो नहीं होता भैया, इस तरह होता है मेरे हिसाब से तो इस तरह नहीं होता। जीता जिताया मैच यार, जीता जिताया। 5 का स्ट्राइक रेट था, 5 का रन रेट था, पूरे 5 रन का सुबह 10 बजे मैच शुरू हुआ। बाबर आजम रिजवान अब्दुल्ला शफीक दोनों ने बड़ी जबरदस्त कल बैटिंग की है, उसको कैश करना था आज, कैश कराना था, नहीं करवा सके। पहला सेशन आखिरी 5 मिनट पहले खत्म हुआ क्योंकि अर्शद शफीक जो है वो स्लिप में कैच आउट हो गया 96 के ऊपर। और यही होना था, पहला सेशन खेल के उसके बाद जिस वक्त रिजवान आया है वो थोड़ा सा तेज खेलता, उसके साथ खेल जाता आराम से मैच, ये पाकिस्तान का हिस्ट्री में नाम आ जाता था कि यार पाकिस्तान ने जो है वो असल में ना, हमें घमंड भी जैसा वो ऑस्ट्रेलिया वालों को घमंड था कि वो गाबा में हार नहीं सकते, हमें घमंड था कि हम गाबा में हार नहीं सकते। और ये कराची में नहीं हार सकते क्योंकि कराची वो वाहिद जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारी ही नहीं है 20-25 सालों से, तो शायद उससे भी ज्यादा अगर हारी भी है, वो ड्रॉ हुआ है 2 मैचेस और उसके अलावा तमाम मैचेस जीती है। तो भाई इतना नहीं होता, अच्छा वाला जीता। अच्छा फिर मुझे ना एक बात और समझ नहीं लगी कि हसन जब बाबर आजम आउट हुआ है उस वक्त कोई 114 रन चाहिए थे 14 ओवर में, 13-14 ओवर में, ठीक है, और इन्होंने फिर मशरूफ को भेज दिया। भाई हसन अली को भेजते, हसन अली इस ग्राउंड से वाकिफ है, इस ग्राउंड के लफ्जे का उसको पता है, उसको भेजते वो टेस्ट क्रिकेट में भी जो है वो शायद अफ्रीदी की तरह T20 खेलता है, उसको भेजते वो आराम से आधा स्कोर तो ये कर जाता, बाकी पीछे को बचता वो रिजवान कर लेता। नहीं भेजा, फहीम अशरफ को भेज दिया, फहीम अशरफ साहब वही वो 3 रन 4 रन करके चल दिया,
ट्रिलियन बार्स माल है यार, मतलब समझ से बाहर है। चलो शुक्र है कम से कम ड्रॉ कर गए, ये नहीं हुआ कि वो मैच ही हार गए, कम से कम इस जिन्नत से तो जान छुटी है कि यार चलो मैच हारे नहीं है, ड्रॉ ही हुआ है। क्योंकि अब तक जितने भी 500 प्लस के जो टारगेट है वो पाकिस्तान टीम हमेशा वो हारी है, ना ड्रॉ कर पाई है ना जीत पाई है। तो वो पहला ये मैच है जिसमें पाकिस्तान टीम ने ये ड्रॉ किया, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने चलो ड्रॉ तो कर दिया यार। वरना मुझे अभी भी वैसे ना बहुत दुख है कि ये मैच हमें आराम से जीत जाना चाहिए, जीता हुआ मैच हम लोगों ने ड्रॉ करवाया। अब इनकी दोनों की अपनी मेहनत है यार, या तो ना कि किसी और की मेहनत। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक मैच बना गए थे कल, उसको कैश करवाया करवाना था आज, क्यों नहीं करवा सके भाई? इसीलिए कि आपने अपने लिए खेलना होता है, और जब ये कोच अपने लिए खेलना होता है तो आ जाते हैं बाबर आजम के वो फैंस जिनको ओलिफ में नहीं पता क्रिकेट की। बस वो जिस तरह एक जमाने में इमरान खान का क्रेज था, लोगों को कुछ पता नहीं होता था क्रिकेट का, लेकिन वो इमरान खान का क्रेज था तो इमरान खान होती थी। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद शायद अफरीदी का क्रेज आ गया, लोगों को पता नहीं था क्रिकेट का, लेकिन वो क्योंकि शायद अफरीदी आ गया, शायद अफरीदी हो रही होती थी तो शायद अफरीदी का क्रेज आ गया, वो शायद अफरीदी शुरू हो गया। अब बाबर आजम का क्योंकि दौर चल रहा है हर जगह पे, बाबर आजम का अश्विन साहब ने ट्वीट भी कर दिया, तो अब हर जगह पर वो अश्विन साहब ने क्योंकि वो ट्वीट की है तो वो उस वजह से जो है वो इंडिया के जो यूट्यूब स्पोर्ट्स तक स्पोर्ट्स है उनको कवर करना पड़ा मैच, वरना आज तक उन्होंने पाकिस्तान का कोई मैच कवर ही नहीं किया वनडे सीरीज के टेस्ट या T20। चलो वर्ल्ड कप में तो मजबूरी है ना, वर्ल्ड कप में तो करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन वो टेस्ट सीरीज जाहिर है वो अश्विन साहब ने उसको कह दिया तो उसको करनी पड़ेगी, और बाकायदा तौर पर पूरे पूरे शोज कर रही है इंडियन मीडिया इस वक्त सीरीज के ऊपर, क्योंकि अश्विन ने ट्वीट कर दिए। तो अश्विन ट्वीट ना करता तो वो फिर देखते कि होती है शोज होते हैं इतने बड़े बड़े शोज, कितने घंटे डेढ़ घंटे के शो होते हैं कि नहीं होते। इसी तरह चल रहा, मैं तो भैया जो गम में मुबतला हूँ उस वक्त, मुझे तो आप बख्शी दें तो बेहतर है, और अल्लाह करे बगला जो दो मैच ड्रॉ हो चुके हैं अब अगला करे जीतने, जो लाहौर में सुनना यही है कि बाहर से कोई क्रिकेटर आ रहा है पिच बनाने के लिए, क्योंकि आज के जो क्रिकेटर उसे रमीज राजा खुश नहीं है, रमीज राजा साहब ने बाहर किसी मैच से जो है वो क्रिकेटर बुलाया, अब देखते हैं कि वो बाहर वाला क्रिकेटर आके क्या गुल खिलाता और पिच किस तरह की बनाई जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह आपसे कल तक मुलाकात होती है, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और किसान का खास ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।